अकील भाई इस गाड़ी को चलाने के लिए आई थिंक ये परफेक्ट वेदर भी है। हाँ, ये लकीली धूप होती है तो जरा थोड़ा सा जबरदस्त। और आप ये बता रहे थे कि फुल केबिन क्लोज भी हो जाता है और एयर कंडीशनर। हाँ, बेसिकली एयर कंडीशन की ऑप्शन है यहाँ नीचे ना। अच्छा, बड़ा ट्यूब एसी होता है वो लग जाता है। और ये इन जिन बोल्ट्स पे ये वाला फेंस लगा हुआ है, ये वाला, उन्हीं बोल्ट्स पे ये पूरा क्लोज केबिन है वो आ जाता है। शीशे बंद होते हैं तो ये पूरा केबिन बन जाता है। और क्योंकि जब आप सफर पे जा रहे हैं लॉन्ग पे, तो फिर आपको जो वो जरा इजी रहता है ना, हवा शवा बारिश वारिश ये वो, उन सब से आप बच जाते हैं। बिल्कुल। अभी हमारे इर्द गिर्द जितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जैसे ये दे आर लुकिंग एट द कार, ऑब्वियसली वो प्रेजेंस इस तरह ह्यूज ह्यूज हेड टर्नर। अच्छा, इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत ही बड़ा है और आपको अवेयरनेस बहुत ज्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ। दो चार दस किलोमीटर चला लेते हैं ना तो फिर आप सिंक हो जाते हैं, तो आपकी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं, ड्राइव में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी तो नॉर्मल जिस तरह गाड़ी में चलना है वैसे ही है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपने ओरिजिनल रखा हुआ है? नहीं, ट्रांसमिशन जो है वो H55A है, बेसिकली टोयोटा की जो 60 सीरीज है वो वाला ट्रांसमिशन इसमें डाला हुआ है, क्योंकि थोड़ा पावर के साथ उसको हाई स्पीड भी करना था। बिल्कुल, मोटरवेज वगैरह पे जाने के लिए अगर स्पीड नहीं है तो फिर आप ज़्यादा वो सफ़र नहीं तय कर पाते, तो इसलिए फिर उसको हाई स्पीड करने के लिए वो गियर डाला। और इसके जो डिफरेंशियल्स हैं, जो हिस्से हैं यानी डिफ्स हैं, वो भी उनकी रेशो भी चेंज की हुई है, बिकॉज वो मैचिंग करने के लिए वो उनको भी चेंज करके पोस्टर वाले जो डिफरेंशियल्स हैं वो इसमें डाले हैं। और बड़ी रिसर्च करके तो सारी चीज़ें कपल की हैं हमने। ऑब्वियसली अगर आपने मैक्सिमम उसकी आउटपुट निकालनी, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एग्जैक्टली। और अब हम इसको टर्न करने लगे हैं, इसको हमें पूरा ऊपर से काटना पड़ेगा। इतना तो कोई मसला नहीं है, मतलब कि यू टर्न छोटे टर्न्स के ऊपर थोड़ा सा जरा एग्जैक्टली छोटे टर्न्स में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका स्टीयरिंग बहुत ही वो सॉफ्ट। और इसका पावर स्टीयरिंग इसका जो अपना स्टीयरिंग था वो भी पावर ही था, और ये वाला तो डेफिनेटली हमने फिर पावर स्टीयरिंग इसको डाला। अच्छा, जो नई गाड़ियां हैं अकील भाई, उनमें मैंने एक चीज देखी है जो बहुत ही टेक्नोलॉजी से एडवांस्ड और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, यू डोंट फील दैट कनेक्टेड टू द रोड। एग्जैक्टली, यहां आपको जेन्युइन फीलिंग है ना, जो ड्राइव की वो जो फील है, जीप चलाने की जो एक फील है, वो आपको इसी तरह की गाड़ी में बेसिकली। बिल्कुल। और इसकी सीट्स में देख रहा था आपने, इसकी कंफर्ट के लिए इसकी सीट्स में कोई चेंज नहीं किया। आपको पता है लॉन्ग ड्राइव पे जब जाना होता है तो फिर आपकी सीट्स का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो हमने होंडा एकॉर्ड वाली सीट्स जो हैं वो इसमें डाली। बहुत अच्छा किया है, ताकि इसमें कम्फर्ट आपको फुल होंडा एकॉर्ड का जो है कम्फर्ट मिल रही है। ट्रेवल टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है ना आपका जब। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने जो रीडिंग लाइट लगाई आपने खुद लगाई बेसिकली, क्योंकि जेन्युइन इसमें आई हुई थी लेकिन वो लगी नहीं, तो मैंने फिर ये आफ्टर मार्केट एक लगा दी है। जबरदस्त। और इसकी गेजेस वगैरह सारी ऑपरेशनल है और ओरिजिनल है। अमेजिंग। और इसका राइट साइड पे एक बटन है जो इसका हॉर्न है, और इट इज ऑपरेशनल एज वेल। मतलब सारी चीजें जो है वो रेट्रो स्टाइल है। रेट्रो स्टाइल है, बिल्कुल मैनुअल। कुछ चीजें हैं जिनके बगैर सर्वाइवल नहीं था। हाँ। ये लाइट्स हैं, अब ये रेट्रो नहीं है, ये नई डिजाइन की है। हाँ। बट मोस्टली चीजें जो है वो इसकी हमने रेट्रो स्टाइल ही रखी। और साउंड डैम्पिंग के लिए हमने पूरा ये नीचे जो है वो नीचे इसके पहले सारी वो डैम्पिंग कराई है, फिर उसके ऊपर हमने कार्पेट रखा है ताकि साउंड भी ना आए और हीट भी ना आए। अभी मैं जब थोड़ा सा ध्यान ड्राइविंग पे देता हूँ तो मुझे गियर घूम जाता है। थोड़ा सा नॉर्मल से दूर है ना, ये नॉर्मल से दूर है, ट्रक स्टाइल है ना, ट्रक। आपको पता है गियर वैसे ही नॉब थोड़ी दूर रखी जाती है, जरा ये इस तरह की हैवी फील। बहुत मज़ेदार इसमें फील आ रही है गियर लगाने का, जो ये गियर लगाने का, क्योंकि मैनुअल जो गाड़ियां हैं अब वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, तो अगर आपने मजा लेना है असल में गियर लगाने का तो वो इस पे है, आपको पूरी बॉडी मूव करके जो है वो गियर चेंज करना पड़ता है। जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं हर कोई सट मुड़ के देख रहा है कि ये क्या चीज़ रोड पे चल रही है। बस ये कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो देन यू हैव टू इग्नोर द ऑडियंस। अगर आप ऑडियंस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो फिर आपका इसको ड्राइवेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं तो यूज्ड टू हो गया हूँ, तो इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेट मेरा ड्राइव पे ही होता है।